अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 6, इन स्पाइट ऑफ वॉर, बावजूद जंग के। प्री रीडिंग, लुक एट द पिक्चर्स एंड प्रिडिक्ट द थीम ऑफ द पोएम। इन पिक्चर्स को देखें तो इसमें नेचर ही नज़र आ रही है, तो आई थिंक के ये नेचर के बारे में है। लेट्स गेट स्टार्टेड रीडिंग। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, बावजूद जंग के, बावजूद डेथ के यानी मौत के। इन स्पाइट ऑफ ऑल मैंस सफरिंग, बावजूद तमाम इंसानों की अजियतों के, सफरिंग अजियतों के, तकलीफ़ों के। समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, कुछ है जो मेरे अंदर लॉक्स हंसता है एंड सिंग्स और गाता है। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रीथ, और मैं अपनी पूरी कुव्वत से, पूरी सांसों से उसको दाद देती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। इस स्टैंजा का ये मतलब है स्टूडेंट्स के जब जंग होती है और हर तरफ मौत का मंजर होता है, तकलीफ़ें होती हैं, दुख होते हैं, तो उसके बावजूद भी, इन तमाम अजियतों के बावजूद भी कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे अंदर हंसता है, यानी हमारे अंदर एक होप जगाता है एंड सिंग्स और गाता है। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रीथ, और मैं जो मेरे अंदर उम्मीद जगाता है मैं उसी चीज़ को दाद देती हूँ। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हेट, बावजूद जंग के, बावजूद नफ़रत के। रिलैक्स और ब्लूमिंग एट माई गेट, रिलैक्स मेरे गेट पर ब्लूमिंग कर रहे हैं यानी खिल रहे हैं। ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, और ट्यूलिप्स जो हैं, ट्यूलिप्स के फूल, वो ट्रिपिंग डाउन कर रहे हैं यानी लहला रहे हैं द पाथ पाथ में। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रेथ, बावजूद जंग के, बावजूद रेथ मीन कहर और गज़ब के, यानी इतनी जंग के बावजूद, इतनी नफरत के बावजूद जो फूल हैं वो वैसे के वैसे खिलते हैं, वैसे के वैसे लहला रहे होते हैं, यानी उन पर कोई असर नहीं होता, यानी उन पर इन अजियतों का, इन तकलीफ़ों के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनकी खूबसूरती में फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी खुशबू में फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहते हैं। करेज, हौसला करो, द मॉर्निंग ग्लोरी से, सुबह की शान कहती है। रिजॉयस, खुश हो जाओ, द डेजी मरमरेट, डेजी यानी बाहर कहती है, मरमरेट सरगोशी करती है। एंड जस्ट टू लीव इज सो डिवाइन, और सिर्फ रहना ही कितना अच्छा है। व्हेन पैंसीज लिफ्ट दियर आइज टू माइन, जब पैंसीज अपनी आँखें मेरी तरफ उठाती हैं, मीन के जब सुबह होती है, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर दिन की सारी तकलीफ, सब कुछ हम जब याद करते हैं तो हमारे अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, मायूसी आ जाती है कि हम दोबारा से, हमने इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी, हमारे अंदर मायूसी आ जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह की शान फिर से हमें कहती है कि हौसला करो, एक नई किरण के साथ, जैसे रात को सूरज ग़ुरूब हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन सुबह को दोबारा वो निकलता है एक नए हौसले के साथ, एक नई हिम्मत के साथ। तो सुबह की शान भी हमें यही कहती है कि हौसला करो, और जो बहार आती है, खुशी लाती है, हर तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, तो वो भी, यानी ये भी एक नेचर के बारे में कहा जा रहा है कि नेचर हमें ये एक दर्स देती है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारे अंदर अजियतें हों, तकलीफ़ें हों, उनके बावजूद हमें एक नए हौसले के साथ दोबारा से खड़ा होना चाहिए। द क्लाउड्स आर रॉम्पिंग विद द सी एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी। क्लाउड्स जैसे ही खेलते हैं सी के साथ, और फ्लैशिंग वेव्स और चमकती लहरें कॉल बैक टू मी, मुझे दोबारा वापस बुलाती हैं। दैट नॉट, नॉट मीन नथिंग, दैट नॉट इज़ रियल, कि कुछ भी हकीकत नहीं है, बट वॉट इज़ फेयर, लेकिन क्या फेयर है। दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर अ ग्लोरी लिवेथ थ्रू डिस्पेयर, यानी कि खूबसूरत चीज़ों के अंदर जितनी शान है उसकी, यानी मायूसी मौजूद होती है इनके अंदर। मीन के जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि बादल आते हैं, चमकते हैं, ये लहरें वगैरह, इन सब को देखने बावजूद भी हमारे अंदर जो है मायूसी रहती है, लेकिन हमें इनसे सबक लेना चाहिए, हमें मायूस नहीं रहना चाहिए, हमें एक नई शान के साथ, एक नए वलवले के साथ दोबारा से जदोजहद करनी चाहिए। दो गन्स मे रोर एंड कैनन बम, यानी कि गन्स उड़ाती हैं एंड कैनन तोप गरजती हैं। रोजेज़ आर बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लम,
फूल खिलते हैं और गार्डन्स भी खिलते हैं। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, मेरी रूह शायद अब भी अपना शोला रोशन करे। एट दैट सेम टॉर्च व्हेन्स पॉपीज केम, बिल्कुल उसी टॉर्च से उसी मशल से व्हेन्स पॉपीज केम, जब वो सुर्ख फूल आते हैं। वेयर मॉर्निंग्स एल्टर वाइटली बर्न्स, जब सुबह की एल्टर यानी कुर्बान गाह उसकी सफ़ेदी जलती है। लिलीस में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स, और हो सकता है कि कमल के फूल अपने चांदी के गुलदान में अपना सर उठाएं। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ शेम, बावजूद जंग के, बावजूद शेम के, यानी इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमें अपने अंदर हौसला कम नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे ही तोपों की आवाज़ हम सुनते हैं, गरजती हैं, वो तो हमारे अंदर से इन तोपों की और इन गन्स की आवाज़ सुन के भी हमारे अंदर हौसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम इस नेचर की तरफ देखते हैं तो दोबारा से हमारे अंदर एक करेज पैदा होती है, हिम्मत पैदा होती है, और हम दोबारा से जैसे एक लिलीज में लिफ्ट दियर सिल्वर अर्न, जैसे वो गुलदान से बाहर निकलते हैं, तो हम भी उसी तरह से एक नए उम्मीद और वलवले के साथ खड़े होते हैं। एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रीथ, और मेरे कान में सरगोशी की आवाज़। वेक फ्राम द नाइट मेयर, नाइट मेयर मीन ड्राउने ख्वाब, यानी ड्राउने ख्वाब से जागो। लुक एंड सी, देखो, दैट लाइफ इज़ नॉट, कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है बट एक्सट्रेसी, सिवाय सुस्ती मस्ती के। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, बावजूद जंग के, बावजूद मौत के। बाय एंजेला मॉर्गन, एंजेला मॉर्गन इस पोइम में हमारे अंदर एक हिम्मत और हौसला पैदा करती हैं और हमें बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी में चाहे जितने भी दुख आ जाएं, तकलीफ़ें आ जाएं, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर एक होप होनी चाहिए। जब हम इस नेचर को देखते हैं तो कुदरत को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि उसकी खूबसूरती को देखकर भी हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा होती है कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी कुदरत में कोई फ़र्क नहीं आता, वो वैसे की वैसी ही रहती है। तो हमें भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए, हौसला पैदा करना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएँ, क्योंकि मायूसी को अल्लाह ताला ने वैसे भी कुफ्र कहा है। तो इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जदोजहद नहीं छोड़नी चाहिए, और हमें हम इन्हीं इसी हिम्मत से और इसी हौसले से ही कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।